दोस्तों, हम सभी को पबजी जैसे गेम्स बहुत पसंद होते हैं, पर क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि उसमें जो जगह होती है क्या असल जिंदगी में भी देखी जा सकती है? यानी कि क्या पबजी मैप पर कुछ जगह असली है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं जगहों के बारे में बात करेंगे, और आप अगर ऑनलाइन गेमिंग या फिर पबजी जैसे गेम के शौकीन हैं, तो आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये लिस्ट। नंबर वन, द चर्च पोचिंग कियर एंगल। दोस्तों, चाहे आपने पबजी एक बार खेला होगा या फिर 1000 बार, इस जगह को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही अनोखी जगह है। पर क्या आपको ये बात पता है कि आपको ये चर्च कहाँ मिल सकता है? अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं, इस चर्च को आप रशिया में पा सकते हैं। इस चर्च का असली नाम स्टारी कदम है, और असल जिंदगी में ये ऐसा दिखता है दोस्तों। और यही चर्च यासना पोलाइनर और सेवेनी में भी मिल सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी लिस्ट की पहली लोकेशन? नंबर टू, पोचिंग की हाउसेज इन अरंगल। दोस्तों, आप सभी ने पोचिंग की में लाल रंग की बिल्डिंग्स या हाउसेज देखे होंगे। ये घर गेम में हॉट ड्रॉप्स के लिए बहुत फेमस है, पर क्या आपको ये बात पता है कि असलियत में कहाँ देखे जा सकते हैं? दरअसल ये पोचिंकी के घर असल जिंदगी में कुछ रशियन घरों से इंस्पायर्ड हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और आपको असल जिंदगी और गेम की जगह में काफी सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी। अगर हम बाकी जगहों की बात करें जो अरंगल में है, तो वो भी डोल न्यूक्लियर विलेज से ली गई है दोस्तों, और आपको अपनी स्क्रीन पर अभी उन्हीं जगह के कुछ वीडियोस और फोटोज दिख रहे होंगे। असल जिंदगी में इन गांवों को न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद बंजर छोड़ दिया गया था, और तब से वहां पर कोई नहीं रहता। नंबर थ्री, द स्कूल इन अरंगल। दोस्तों, हम सभी का फेवरेट लोकेशन स्कूल ही रहता है, और अरंगल में काफी ज्यादा बड़ा इलाका स्कूल का ही आता है। तो चलिए अब देखते हैं स्कूल असल जिंदगी में कैसा दिखता है। स्कूल पूरी तरह से चर्नोबिल से कॉपी किया गया है। चर्नोबिल, अगर आपको पता हो तो, वहाँ पर एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, और वही के स्कूल यानी कि चर्नोबिल के ही स्कूल का इस्तेमाल किया गया है अरंगल में। दोस्तों, तो अब बताइए, क्या आप चौंक गए, और क्या आपने इनमें से कोई जगह पहले कभी देखी थी? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और राइट साइड के आई बटन पर क्लिक करके ऐसे ही और वीडियोस देख सकते हैं। नंबर फोर, शेल्टर्स इन अरंगल। दोस्तों, पबजी में एक और बहुत ही फेमस हॉट ड्रॉप है, और अगर आप इस गेम को कभी भी खेले हो तो आप इसको जरूर जानते होंगे। शेल्टर्स अरंगल में अंडरग्राउंड टनल्स हैं, और किसी भी नौ सीखिए के लिए ये एक भूल भुलैया से कम नहीं दोस्तों, पर ये भी एक असल जिंदगी के एक लोकेशन से लिया गया है। ये एक न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटी जो फेडोर्सिया यूक्रेन में है। आज के समय इस वेपन फैसिलिटी को अबैंडन कर दिया गया है, और यूक्रेन के ये बंकर्स शेल्टर के पूरे कॉपी हैं। दोस्तों, तो अगली बार जब आप इस गेम को खेलें, तो ये फैक्ट्स ना भूलें। नंबर फाइव, सोनोवका मिलिट्री बेस इन अरंगल। ज्यादातर अभी तक जितने भी हमने जगह देखी हैं, वो विदेशी जगहों से है, पर आपको हम ऐसी जगह दिखाएंगे जो हमारे भारत से ली गई है। आप सभी ने मिलिट्री बेस तो जरूर देखा होगा, और ये जगह काफी लोगों की सबसे फेवरेट जगह भी है ब्रिज कैंपिंग के लिए। पर क्या आपको पता है कि ये जगह असल जिंदगी में कहाँ है? असल जिंदगी में इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज है, और ये कोलकाता में देखा जा सकता है। क्यों, चौंक गए ना? असल जिंदगी में कोलकाता का हावड़ा ब्रिज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और कोलकाता में बहुत ही मशहूर भी है।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो का एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम और भी ऐसे लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपको पबजी में मिल सकते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।